हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अपनी एक और वीडियो में आप लोगों को वेलकम। और आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिन्होंने अभी कुछ ही अरसे पहले मोबिलिंक जैस की नई सिम खरीदी है और उनके पास इंटरनेट का मसला आ रहा है। तो अगर आपके पास भी ये इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है और आपकी सिम में, आपके सिम यानी कि आपके फ़ोन के अंदर मोबिलिंक का इंटरनेट स्लो या बिल्कुल भी नहीं चल रहा, तो आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आप किस तरह से प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो भी करंट सेटिंग है, जैसे ही आप नई सिम लेते हैं और उसके बाद जो करंट सेटिंग पे, जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, उस पर जब इंटरनेट आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आपको इस तरह की सिचुएशन पेश आएगी जिसमें नेट या तो बिल्कुल स्लो चलता है या चलता ही नहीं है। आपको करना सिर्फ ये होगा कि आपने जाना है अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर, और उसके बाद जाना है मोबाइल नेटवर्क की सेटिंग में, सिम सेलेक्ट करनी है, इसमें एक्सेस पॉइंट सेटिंग में जाना है, यहाँ से आपने क्रिएट न्यू एक्सेस पॉइंट करना है। ये देखें आपके सामने, सबसे पहले मैं रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर रहा हूँ, यानी कि जो इसकी नॉर्मल सेटिंग्स होती हैं उस पर इसको ले जाते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ से न्यू एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना है, इसका नाम हमने मोबाइल लिंक रखा है। उसके बाद अपने एपीएन में जाके यहाँ पे टाइप करना है मोबाइल लिंक इंटरनेट, इसको भी सेव कर देंगे, और उसके बाद इसको सेव करना है, और लास्ट में इस एक्सेस पॉइंट को आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस एक्सेस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने जाना है सेटिंग्स के अंदर दोबारा से, और अपनी जो डाटा है इसको ऑन करना है, और आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट चलना शुरू हो गया है। आपको ओपन करके दिखाते हैं। पहले मैं एक्चुअली इंटरनेट के लिए जोंग की सिम यूज़ कर रहा था, उसके बाद टेलीनॉर भी मैंने यूज़ किया, बट टेन मैंने सोचा कि चलें मोबिलिंक भी ट्राई करते हैं। उसके बाद फिर मैंने मोबिलिंक की सिम ली और इसमें काफ़ी अच्छी सर्विस है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।